हेलो फ्रेंड्स, एक्सकर्सन ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जसवंत और इस सफ़र में मेरे साथ हैं सूरज, सुदर्शन, प्रणव और माधव। हम करीब 3 बजे रुड़की से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू कर चुके हैं। रुड़की से बद्रीनाथ की दूरी करीब 348 किलोमीटर है, बट हमें टिहरी भी जाना है, सो हमें कुछ किलोमीटर्स ज़्यादा ट्रैवल करना होगा। तो आइए यात्रा का लुत्फ़ उठाते हैं। सो फाइनली हम टिहरी झील के पास पहुंच चुके हैं। टिहरी शहर भागीरथी और विलंगना नदियों के संगम पर बसा एक छोटा सा शहर है। विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय पूरा टिहरी शहर पानी में डूब गया था, तभी टिहरी झील का निर्माण हुआ और पुराने टिहरी शहर को रीलोकेट करके नई टिहरी शहर बनाया गया था। आप टिहरी झील पर अगर आएँ तो आप कई सारे साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे बोटिंग, जेट स्पीड बोटिंग, वाटर स्कीइंग, जोर्बिंग, बनाना बोटिंग और भी कई तरह के एडवेंचरस एक्टिविटी का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। जो सबसे अच्छा यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून का महीना है। आप यहाँ आएँ, झील के किनारे जो फ्लोटिंग बोट है उनका आनंद ले सकते हैं और बहुत सारी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले। किसने लाया ये? इतना दिलदारी किसका है? प्रणव, थैंक्स फ्रॉम आवर साइड। ये क्या भाई, पूरी रख के नए तरीके तो बताएं आप, ये क्या चीज इन्वेंट किए हैं आप, ये क्या है? जब हम फील्ड ट्रिप पे रहते हैं तो कई बार सैंडविच हमें मिलना मुश्किल होता है और आप सैंडविच खाना चाहते हैं, बीच में हमने चने दबा कर दूसरी पूरी को दबा दिया ताकि एक सैंडविच का रूप ले ले और दोनों पूरी मिलना हो सके। अब आप घर में भी बना सकते हैं सैंडविच। चला आगे के विधि के लिए, वो बनाने की विधि के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। करीब यहाँ पे स्टे हमारा 20-30 मिनट्स का ही था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत ही लंबी दूरी जाना है अराउंड बद्रीनाथ, जो कि बहुत दूर है। तो हमने शुरू किया था मॉर्निंग अराउंड 3 AM फ्रॉम रुड़की और करीब टिहरी पहुँचने में हमें करीब 4 घंटे का समय लग गया।